हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करते हैं किस तरीके से आग को बुझाया जाए। आप देखते होंगे कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको इंस्टेंट एक्शन लेना है, तो आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बेसिक साइंस को समझ लेता हूँ। बेसिक साइंस कहती है कि जब भी आग लगती है तो आपको एक फायर ट्रायंगल को समझना होगा। फायर ट्रायंगल में एक होता है फ्यूल, एक होती है हीट और एक होता है आपके पास एयर, दैट इज O2, यानी कि ऑक्सीजन। इन तीनों में से किसी भी एक की सप्लाई अगर आप रोक सकते हैं तो समझ लीजिएगा कि फायर लगेगी नहीं, और लग गई है तो फायर जो है थोड़े समय के बाद बंद हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फायर एस्टिमेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से इस फायर एस्टिमेशन को यूज किया जाए, तो सबसे पहला काम आपको एक बात सर की याद रखनी है, दैट इज पास, PASS। सबसे पहला काम है कि जो ये पिन है इसको आप क्या करेंगे, आप इसको पुल करेंगे, जैसे कि मैंने अभी किया। अगर कोई ऐसा कुछ फायर एस्टिंग्विशर में होता है, ये आपका प्लास्टिक वे, इसको अलग कर देंगे। इसके बाद दूसरा जो काम होता है वो होता है इस पाइप को आप अपने एम की तरफ ले जाएंगे, जहां पर आग लगी हुई है उस पर्टिकुलर एम की तरफ, ये आपका एमिंग पार्ट होता है, राइट। दूसरा होता है स्क्वीज, थर्ड पार्ट है इसका क्या, स्क्वीज। और स्क्वीज के बाद फोर्थ जो पार्ट है, जब आप इसको लेकर चल रहे होंगे तो इसको प्रॉपर हिलाते हुए जाना और बेस की तरफ, आग के बेस की तरफ इसको फोकस करना है, क्योंकि ऊपर उसकी लपटों की तरफ नहीं, उसके बेस की तरफ आपको जो है फिर इसको प्रेस करना है, कंप्लीट प्रेस करते हुए चल करना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसका प्रॉपर आपको इस्तेमाल करना है ना, दैट नोजल मस्ट बी एट योर हैंड। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस फायर एस्टिंग्विशर का यूज कितना इम्पोर्टेंट है, मेन मुद्दा है कि आपने एयर की सप्लाई रोक दिया है। जैसे ही कॉन्टेक्ट बिटवीन एयर और फ्यूल, ये दोनों ही ब्रेक हो जाएगा, तो ऑब्वियस है आग थोड़े समय के बाद जो है बुझ ही जाएगी। इसको अपने दिमाग में आपको रखना चाहिए और पूरी सेफ्टी के साथ ये परफॉर्म करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हर एक आदमी को ये फायर एस्टिंग्विशर चलाना प्रॉपरली आना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं इसमें प्रेजेंट केमिकल, दैट इज MAP, दैट इज मोनो अमोनियम सल्फेट। ये जो केमिकल है, ये कहने को तो आपसे आग को बुझा रहा है या आपको आग से बचा रहा है, लेकिन साथ साथ इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अभी खेल में हमने इस केमिकल को यूज किया, और मान लीजिए उसी पाउडर को मैं अपने हाथों पे रगड़ता या कोई भी उसको यूज करता, दैट इज एयर पॉल्यूटेंट, दैट इज वॉटर पॉल्यूटेंट। ऑल्सो अगर ये स्किन पर काफी देर तक रह जाए तो आपको इचिंग, अगर आंख में लग जाए तो आई प्रॉब्लम, इस टाइप के हजारडियस इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि इसको खेल में आप लोग ना लें। थैंक यू सो मच।